सर सेंटर में थोड़ा सेंटर पे आ जाइए। ओके थैंक यू प्लीज वेट वेट रुक गया। ओके थैंक यू सो मच बुरा जी। ये आ रहे यार मैम फॉरेंसिक ना फोन हेलो हेलो हाँ नहीं रे लुकिया सर आपके सामने सर सामने फोटो लुकिया प्लीज बनाया सेंटर मैम यार पहले सर जी महाराज हैं क्या थैंक यू सर स्पीड में यार इंडिया के चैनल भी हैं इंडिया के हैं ना कैटरीना क्या बेटा यस माइंड ब्लोइंग यस अभी तो है ऋषा घर पीछे बेटा हाँ हाँ यस 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 लुक लुक कैमरा बेटा लुक डुप्लीकेट है ये ओजी नहीं है शी मेरा कितना लाउड था मेरा वो सुने नहीं वो इसके लीड्स को बोलती हूँ मैं बुलाने बोलो ना लीड्स को बुलाने यस बॉस लेट मी यहाँ पे सर जी अगेन 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 यहाँ पे या थैंक यू एक्सक्यूज मी सर अरे इसका लीड्स सर यार लेट जो आता है एक सेकेंड मैं अपनी गाड़ी बुला लेता हूँ तब तक टाइम बच जाएगा मेरा क्योंकि यहाँ गाड़ी आने में भी टाइम लगेगा हाँ इसलिए ब्लैक
तो मैं किस कैमरा में देखूं इतने सारे कैमरे? ओके सर, फोरेंसिक देखिए, आपने क्या कहना चाहेंगे उसको पहले बताइए कि क्या खास लगा इस फिल्म में? सी आई टेल यू वेरी ऑनेस्टली, मैं विशाल फुरिया एज अ डायरेक्टर, उनका जो इस जॉनर पे जो पकड़ है, चाहे वो हॉरर हो चाहे वो थ्रिलर हो, बहुत स्ट्रॉन्ग है. यू नो, होता है कि कुछ डायरेक्टर्स ऐसे होते हैं जिनको थ्रिलर का एक कमांड है उसको बनाने में. तो मुझे पता था कि ये फिल्म अच्छी तो ज़रूर होगी, लेकिन बिकॉज फिल्म का टाइटल फोरेंसिक है, लेकिन उन्होंने फोरेंसिक को इतने डिटेल्ड में इतने स्लीक तरीके से एक्सप्लेन किया, बिकॉज मुझे याद नहीं है कि मैंने लास्ट कौन सी ऐसी फिल्म देखी थी जिसमें फोरेंसिक का जो एक पार्ट होता है. और जो भी क्राइम थ्रिलर्स होते हैं या जो भी अगर आप रियल क्राइम अभी देखें तो उसमें फोरेंसिक का एक बहुत बड़ा रोल होता है. तो आई फील दैट विशाल ने जिस तरीके से उस फोरेंसिक को यूज़ किया है, और मैं यू नो बिकॉज इट्स अ मर्डर मिस्ट्री क्राइम थ्रिलर तो मैं ज़्यादा तो बता नहीं सकता हूँ, लेकिन बहुत ही स्लीक फिल्म है और आपको बांध के रखेगी एंड तक. सर, अच्छी कहानी के साथ अच्छी परफॉर्मेंसेस होना कितना ज़रूरी होता है, और इस फिल्म में कैसे लगी आपको? ये देखिए, मैं हमेशा कहता हूँ ना कि ये स्टेप्स होते हैं कि सबसे अच्छे पहले एक स्क्रिप्ट लिखी हुई होती है, फिर उस स्क्रिप्ट को एक अच्छा डायरेक्टर चाहिए होता है, और तीसरे नंबर पर एक्टर्स आते हैं. मैं हमेशा ये कहता हूँ कि एक्टर्स तीसरे नंबर पे आते हैं, बिकॉज कोई भी एक्टर जो है वो एक ख़राब लिखी हुई स्क्रिप्ट में बहुत ज़्यादा कुछ कर नहीं पाता. हाँ, लेकिन ये ज़रूर है कि एक अच्छा एक्टर जो है एक अच्छी लिखी हुई स्क्रिप्ट को अच्छे से परफॉर्म कर सकता है. तो यहाँ पे भी वही है, राधिका है, विक्रांत मैसी, दोनों बहुत अच्छे एक्टर्स हैं, बहुत कन्विंसिंगली उन्होंने प्ले किए, बाकी के भी एक्टर्स बहुत अच्छे हैं. सो आई थिंक ये जो क्राइम थ्रिलर देखने का अगर आप शौक रखते हैं, और अगर आपको मर्डर मिस्ट्रीज़ में मज़ा आता है, और जो उसके टेक्निकल एलिमेंट्स होते हैं फॉरेंसिक के, अगर आप वो इंटरेस्टेड हैं समझने में, तो ये फिल्म आपको पूरे एंड तक बांध के रखेगी. सर, स्कैम्स एंड थ्रिलर ऐसी मूवीज होती है, ट्रेलर देखते ही ऐसा लगता है कि वाकई हमें इसमें देखना चाहिए कि आखिर इसके पीछे है कौन. तो आपको ऐसा कुछ? अनुज जी, आपने पिक्चर देखी, कैसी लगी? अरे बहुत अच्छी लगी, ये देखिए. ये रावत जी बहुत अच्छे थे. वेरी गुड, वेरी गुड. तो सॉरी, आपने क्या पूछा था? मैंने जी बिल्कुल, मुझे लगता है कि एक कॉमन इंसान का जो एक क्यूरोसिटी जो हम सब में है ना, ह्यूमन बीइंग्स में एक जो जानने का जो एक नेचर होता है, अरे उसके साथ क्या हुआ. इसीलिए आप देखिए सड़क पे कुछ एक्सीडेंट भी हो जाता है तो भीड़ लग जाती है. तो वो एक ह्यूमन नेचर है. हम वी आर बाय नेचर क्यूरियस टू नो कि अरे क्या हुआ, किस कौन था, किसने किया. तो जब आप मर्डर क्राइम थ्रिलर्स देखते हैं तो वो इसीलिए आप अगर आप देखें तो ऑल ओवर द वर्ल्ड ये जो जॉनर है, ये कभी ऐसे ऐसा नहीं होता कि अरे आजकल तो लव स्टोरी हिट हो रही है, आजकल तो हिस्टोरिकल फिल्में हिट हो रही हैं. क्राइम थ्रिलर्स जो हैं एक ऐसा जॉनर है जो आप 365 डेज जो है वो हिट जॉनर है, क्योंकि लोग जब क्राइम थ्रिलर्स देखते हैं ना तो वो खुद जासूस बन जाते हैं. वो देखते देखते वो अच्छा मुझे तो लगता है ये मर्डर होगा. तो वो जो एक एन्जॉयमेंट है ना वाइल वॉचिंग द फिल्म, वो सब इस फॉरेंसिक में है. अरे सर आइए, सेंटर सर, थोड़ा लेफ्ट में सर, लुक कैमरा, यस सर, वन मोर, थैंक यू, थैंक यू. इतना ही कम लग रहा है. हाँ जी, सर क्या कहना चाहेंगे फॉरेंसिक, क्या एक्सपेक्टेशन है आप दोनों से जानना चाहेंगे, जो परफॉर्मेंसेस है उसके लिए कितने एक्साइटेड है फिल्म? सर आप बोलिए सर, यू आर द नंबर वन, बोलिए.
मेरी खुशकिस्मती रही है कि मैंने ओरिजिनल मलयालम में फॉरेंसिक देखी और जब मैंने ये स्क्रिप्ट पढ़ा तो आई वाज प्लेजेंटली सरप्राइज्ड. इट्स नथिंग टू डू विद दैट मूवी. इट हैज नथिंग टू डू विद दैट फिल्म. सो दैट इज गोइंग टू बी द सरप्राइज फॉर द ऑडियंस कि जिन जिन लोगों ने देखा है और जो जिन्हें लगता है कि हमें सस्पेंस पता है कुछ नहीं पता तो कुछ नहीं पता लेकिन मैं ये बताना भी नहीं चाहता हूँ कि अच्छा नहीं बताऊँगा. नहीं सर बात बताना. देखिए आई थिंक दिस इज़ अ सुपर हिट मूवी. अगर मुझे लगता है ये थिएटर में लगती तो भी सुपर हिट होती पर जी पे पूरी दुनिया के लिए 24 तारीख को ये आ रही है और सारे रिकॉर्ड OTT के मेरे को लगता है ये तोड़ेगी. बहुत फैंटास्टिक पिक्चर बनी है. अब हम जाके अंदर देख लें. वैसे वाकई ये थिएटर्स के लिए ही बनी है ये फिल्म और काश ये थिएटर्स में रिलीज होते तो बहुत मज़ा आता. एब्सोल्युटली. थैंक यू सर. थैंक यू. ओहो दैट्स द टेक्निक. हाउ कैन यू से लाइक दैट. आप सबके लिए सरप्राइज है. मैं किलर को लेके आया हूँ. एक सेकेंड रुको. मुझे किलर डायरेक्टर बड़ा परिवार सुखी. आ जाओ. थोड़ा क्रॉस खड़े होंगे सर. थोड़ा क्रॉस खड़े होंगे. थोड़ा क्रॉस अंदर. अरे बेटा अंदर. थोड़ा अंदर अंदर आएगा. आएगा आएगा. लोग कैमरा. अरे मैडम कवर हो गया. लेफ्ट योर लेफ्ट. हाँ यस. बड़ा परिवार छोटी परिवार. थैंक यू. भाई एक सेकंड कर रहे हो. नीचे देखते रहना प्लीज. हाँ मेरा कैमरा भी गिरेगा और मैं भी गिरूंगी. आप नीचे देखिएगा. थोड़ा लेफ्ट ऐसा सर. थोड़ा क्रॉस है. हाँ एक साथ यहाँ पे. अगेन अगेन मासी. ये कैमरा. राधिका आप पे आ गई है. राधिका आप पे आई है. एक पिक्चर दीपक जी और विक्रांत. सर लुक एट लेफ्ट. और यहां पे लेफ्ट.
मार ना मेरा पीछे ठीक है वीडियो कर रहा है ठीक है यहाँ पे लेफ्ट में एक्सक्यूज मी आगे ना सर थोड़ा ऐसा सर थोड़ा ऐसा क्रॉस थैंक यू यस सर यहाँ पर वेट वेट थैंक यू मैं बोल रहा हूँ कितनी बड़ी मचाओ है उसको क्यों बोलो भाई तुम हमारा इवेंट अब मैं बताओ ना नीचे वायर है सर सेंटर अंगस सर सेंटर 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 यहाँ पर अंगस सर यहाँ पर हाँ लेफ्ट 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 सर यहाँ पर अंगस सर यहाँ पर मैम मानसी मैम यहाँ पर सर थोड़ा राइट में टर्न हो जाइए नहीं ना लेफ्ट में टर्न हो जाइए रुको मानसी जी राइट राइट अरे आएगा इधर आएगा सर अभी लेफ्ट में टर्न हो जाइए कौन है यहाँ थोड़ा सा पीछे आना बेटा मैम यहाँ मैम लुक यहाँ जैक जैकलिन मैम सामने जैकलिन मैम सामने राइट राइट जैकलिन लुक 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 कर लुक कर सेंटर सेंटर राइट राइट जैकलिन जी यहाँ पर राइट 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 यहाँ पर मानसी जी मानसी मानसी ये नीचे का जगह का भी है सर लुक 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 योर लेफ्ट लो लेफ्ट लो लेफ्ट सेंटर योर लेफ्ट योर लेफ्ट यस राइट राइट में यहां पे यहां पे यहां पे ओके लेफ्ट वाले पे सोलो सोलो
आपका सोलो है सर, जब आके एक ले लो ना डायरेक्टर से। हेलो हाय विशाल, स्पोक ऑन द फोन, हाउ आर यू? वी स्पोक ऑल ऑफ यू। जैकलिन बंद करो, बंद करो। यस थैंक यू। जैकलिन ये जैकलिन इधर गेट पे गाने सुन रहा है। दबला सामने इधर लुक 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 लाइक सर लेफ्ट लेफ्ट ऑल ऑफ राइट 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 जैकलिन मैम यहाँ पे जैकलिन मैम यहाँ पे सामने यहाँ पे यहाँ पे It will be related this way. Yeah. Ma'am, this side. Center. Center, center. Ma'am, although it is a movie, the name is Forensic. It looks like Kabila and all. What you would like to say about it? I'm just very excited for this film. I know that this team has done a fantastic job. It's all the actors that, you know, we really enjoy watching their work and their performances. And I know that Deepak sir also, you know, he's, I mean, the passion that he makes films and the work that he puts into it. So I'm actually here for Deepak sir. He's an amazing, amazing producer. So looking forward to it. Looking at the trailer, how curious are you? Like, who will be these? Like, there is a suspense and all. I know. No, but we've actually discussed this script before. And I really, you know, remember when Deepak sir was telling me about this movie, I was so intrigued by it. I wish I was actually a part of it from the beginning. And but I'm now going to go see from script to real how it's going to be looking. Are you going to be there? Yeah, so what you would like to say about it? Will you like to give any of the hint? Because tomorrow the trailer is going to be out. I think you guys will love it. And today we were in Bangalore. We had an amazing time. The crowd there was amazing. And we revealed it to the media. And everyone had a great time. So I'm really looking forward to seeing you tomorrow. Thank you. Thank you. Thank you so much. Hello. Ma'am, here. Yeah, left side. जी सर की बाइक है चलिए। फॉरेंसिक नाम सुनते ही पहले ऐसा लगता है वाकई ये है क्या, कुछ तो लैब रिलेटेड होगा, लेकिन आपसे जानना चाहेंगे ये है। फॉरेंसिक साइंस जो हमारे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में इस्तेमाल किया जाता है, ये उसके बारे में। इट्स एन इन्वेस्टिगेटिव ड्रामा, इट्स एन इन्वेस्टिगेटिव ड्रामा। ये फिल्म एक इन्वेस्टिगेटिव ड्रामा है। देयर आर मल्टीपल मर्डर्स इन द फिल्म। और आज की तारीख में जो फॉरेंसिक टेक्निक्स और टेक्नोलॉजी हमारे पास अवेलेबल है, ये उसको दर्शाती है। इट्स एन आउट एंड आउट हुडानिट एंटरटेनर। सो आई होप पीपल विल एंजॉय वाचिंग दिस। आज फ्रेंड्स एंड फैमिली जो है फिल्म देखने वाली है, क्या क्या फीलिंग है? नर्वस, एक्साइटेड? मैं हमेशा नर्वस ही होता हूँ यार, मेरी हर फिल्म की रिलीज पर नर्वस ही होता हूँ। सो या मतलब नर्वसनेस अभी भी है। सो लेट्स सी, अब तक अभी इंटरवल हुआ है, काफ़ी अच्छी लग रही है लोगों को।
आप लोग भी देख के बताइए कैसी लगती है आप? सबसे बड़ा क्रिटिक कौन है? मेरे घर पे मेरी बीवी है सबसे बड़ी क्रिटिक। वो मुझे तुरंत बता देती है उनको क्या अच्छा लग रहा है क्या नहीं लग रहा है। काफ़ी न्यूट्रल पर्सपेक्टिव है उनका। जिस तरीके से आपने कहा कि सबसे ज़्यादा आपकी बीवी है, तो ट्रेलर देखते ही उन्होंने पूछा कि प्लीज़ बताइए आखिर है कौन इसमें जिसने किया है? नहीं, वो मैंने उनको भी नहीं बताया। मैं भी चाह रहा था कि वो फिल्म देखें और मुझे बताएं उनको फिल्म कैसी लगी, एंड देख रही हैं वो फिलहाल, तो लेट्स सी हाउ इट गोज। हमेशा आपको अपकमिंग एक नए नए कैरेक्टर्स में देखा, आने वाले दिनों में कौन से और भी न्यू प्रोजेक्ट्स आएंगे? अभी हाल ही में पिछले हफ्ते अनाउंसमेंट हुई है सेक्टर 36 की, आप लोग को पता ही होगा उसके बारे में। तो सेक्टर 36 की शूट चल रही है, उसके दौरान बीच में मैं यहाँ आया हूँ स्क्रीनिंग पे, तो मेरी यूनिट दिल्ली में बैठी है शूट कर रही है, एंड आई कांट वेट टू गो बैक एंड स्टार्ट शूटिंग दैट फिल्म। फिल्म बहुत ही जल्दी रिलीज होने वाली है, क्या मैसेज देना चाहेंगे ऑडियंस को? मैं लोगों से यही कहना चाहूँगा कि प्लीज़ आप ये फिल्म देखें। इतना ज़रूर मैं कह सकता हूँ कि जो भी आप 2 घंटे अपने कीमती समय से निकालेंगे वो आपके वर्थ इट होगा। आप प्लीज़ अपने परिवार के साथ बैठ के ये फिल्म देखें, इन्जॉय करें, और हमें प्लीज़ सोशल मीडिया पर टैग करके बताएँ कि आपको ये फिल्म कैसी लगी। या थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर कमिंग गाइस। थैंक यू। फाइनली कितना खुश हो गए भाई, घर जाना घर जाना है।